नमस्कार दोस्तों, बिहारी चचा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्म आया है, उस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस फॉर्म में भरने का क्या क्या प्रोसीजर है, उसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म को शुरू से लेकर प्रिंट तक हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले मैं अपने नए दोस्तों से कहना चाहता हूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इसमें कैसे हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं इस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास आ जाएगा बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम डालना है अपना। फर्स्ट नेम डालने के बाद हमें फिर से कन्फर्म फर्स्ट नेम डालना है। कन्फर्म फर्स्ट नेम डालने के बाद हमें मिडिल नेम डालना है। मिडिल नेम डालने के बाद हमें कन्फर्म मिडिल नेम डालना है। कन्फर्म मिडिल नेम डालने के बाद हमें लास्ट नेम डालना है। फिर उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, लास्ट नेम डालना है। तो दोस्तों, नीचे आपको दिखाएगा आपका फुल नेम। फुल नेम के बाद हमें क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो हमें अपना मोबाइल नंबर सावधानीपूर्वक डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर पे फिर से अपना मोबाइल नंबर दोहराना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो आप अल्टरनेटिव नंबर डाल दीजिए, अन्यथा आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप डाल लीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें क्या करना है, डोमेन नेम पूछ रहा है। इसमें आपका अगर जीमेल हो तो जीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, याहू हो तो याहू सेलेक्ट कर लीजिए। अपना ईमेल के अनुसार आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कन्फर्म ईमेल आईडी। कन्फर्म ईमेल आईडी में फिर से दोबारा आप लोग अपना ईमेल आईडी को लिखेंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपके सामने कैप्चा, तो कैप्चा को देखकर हम लोग भरेंगे। भरने के बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हमें क्या करना है कि अपना फ़ोटो डालना है यहाँ पे। फ़ोटो डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर को डालना है। सिग्नेचर को डालने के बाद दोस्तों, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर हमारे पास आ जाता है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस। क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ डिसिप्लिन या स्ट्रीम। आप जिस डिसिप्लिन से पढ़ाई किए हैं उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है कैटेगरी। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप पीएच कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे पूछ रहा है कि क्या आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। अगर चाहिए तो हाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तभी ये आपके लिए है, अन्यथा नहीं है। तो नीचे देखिए दोस्तों, फिर हम आ जाते हैं, पूछ रहा है किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। आप वहाँ पे अपना रिलीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो उसको आप लोग अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस सारे चीज़ों में हमें हाँ या ना में जवाब देना है, इसको आप लोग अपने अनुसार हाँ या ना में जवाब को दे दीजिए। देने के बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है नीचे किस देश से हैं, वहाँ पे आप अपना इंडियन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है किस राज्य से हैं, और फिर आपसे पूछ रहा है स्टेट टू विच सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग, किस राज्य के लिए ये परीक्षा है उसको आप लोग को सेलेक्ट करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है पर्सनल डिटेल में। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जेंडर को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से पूछ रहा है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई बहन है, अपने अनुसार उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है आपका वैवाहिक स्थिति, तो अगर आप वैवाहिक हैं तो मैरिड पे सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा अनमैरिड पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसे आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा।
उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है पिताजी का नाम, फादर नेम में आपको क्या करना है, अपना पिताजी का नाम को भरना है, और मदर नेम में आपको अपना माताजी का नाम को भरना है। माताजी का नाम भरने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, इसमें आप लोग अपना पता को भर दीजिए। पता को भरने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपना ज़िला को चयन कर लीजिए। ज़िला को लिखने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है स्टेट, तो स्टेट में आपको अपना राज्य को चयन करना है। राज्य को चयन करने के बाद दोस्तों नीचे दिया है पिन कोड, पिन कोड में अपना पिन कोड को लिख लीजिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेम एस एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो इसे आप टिक कर दीजिए, अन्यथा आपको क्या करना है फिर से दोबारा भरना है। भरने के बाद दोस्तों वैसे ही हमें नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी में हमको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दिखा रहा होगा, तो हमें करना है क्या कि नीचे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमें ओके करने के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल, तो वहां पे आपको क्या करना है ग्रेजुएशन का आपको भरना है कि आपने किस डिग्री किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, कब आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से तारीख कौन से महीने कौन से साल में आपने ग्रेजुएशन किया है पास। उसके बाद आपको क्या लिख रहा है कि अपना परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है। वैसे ही अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी का अपना विवरण दे दीजिए, और भी अदर क्वालिफिकेशन किए हैं उसका भी विवरण दे दीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप में कंप्यूटर स्किल है, उसे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, किस प्रकार का कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास उसको बताना है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों लिख रहा है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में लिखना है, नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट वर्किंग, क्या आप अभी कार्यरत हैं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उसके बाद लिख रहा है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, कहाँ पे पहले आप काम करते थे। डेजिग्नेशन में आपको लिखना है किस पद पे आप काम करते थे। फिर लिखा है नीचे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक, तो यहाँ पे कौन से दिन से लेके कौन से साल से लेके कौन से साल तक आपने वहाँ पे काम किया वो आपको यहाँ पे बताना है। बताने के बाद दोस्तों लिखा हुआ है नेचर ऑफ ड्यूटीज़, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि किस प्रकार का आपका काम था वहाँ पे। फिर बगल में लिखा हुआ है दोस्तों रीज़न ऑफ लीविंग, रीज़न ऑफ लीविंग मतलब हो गया कि क्यों आपने उस काम को छोड़ दिया, उसके बारे में विवरण को यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे लिख रहा है कितने एक्सपीरियंस हुआ आपका वहाँ पे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपको वहाँ का एक्सपीरियंस लिखना है। नीचे दिया हुआ है टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है महीने में गिनकर कितना टोटल एक्सपीरियंस हुआ आपको वहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास और भी एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर पे क्लिक करके सेम टू सेम ऐसा ही हमें भरना है। भरने के बाद दोस्तों नीचे आ जाता है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सा भाषा पता है, क्या आपको वो भाषा लिखना पढ़ना और बोलना आता है, तो वो हमें अपने अनुसार लिख कर यहाँ पर हमें टिक करना है। तो अगर आपको जो भाषा आता हो वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट योर डिटेल, तो वैलिडेट योर डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको ओके करने के लिए आएगा, ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्म का प्रीव्यू, यहाँ से हम देख सकते हैं अपना फॉर्म। फिर नीचे आपको फ़ोटो के पास आई कन्फर्म दिस इज़ माई फ़ोटो वहाँ पे टिक करना है, तो वहाँ पे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई सिग्नेचर, तो यहाँ पे भी आपको अपना सिग्नेचर को देख के यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे है फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट पे दोस्तों आपको क्या करना है फाइनल सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आपके पास आ जाएगा पेमेंट ऑप्शन, आपको दिखाएगा आपका अमाउंट, नीचे दिया हुआ है कैप्चा,
उस कैप्चा को हम लोग को सावधानी पूर्वक भरना है। कैप्चा भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा पेमेंट मोड। यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मोड दिया हुआ है, आप अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट ऐसे ही आगे प्रोसीजर से हो जाएगा। फिर आप आ जाइएगा मेन साइट वाले पेज पे, वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है। आपको करना है क्या, यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर अपना पासवर्ड को डालना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा को डालना है। कैप्चा को डालने के बाद क्लिक करना है सबमिट वाले बटन पे। जैसे ही आपके सामने आ जाएगा ये फॉर्म, यहाँ से आप लोग अपना प्रिंट ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ऑनलाइन से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।